हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा और आप देख रहे हो रिचा रॉय चैनल। और आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ ब्राइडल उबटन शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छा उबटन है ये। आप लोग अगर अभी न्यू न्यू ब्राइडल बनने वाले हैं, मतलब आप लोगों की शादी होने वाली है, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट फेस पैक है ये, मतलब उबटन है ये। उबटन कम समझ लीजिए, फेस पैक समझ लीजिए। आप पूरी बॉडी पर भी लगा सकते हो, आप चाहें तो अपने फेस पर ही लगा सकते हैं। मतलब आप लोग जहां मतलब अपनी बॉडी पर तो लगा ही सकते हैं, फेस तो ग्लो करेगा ही, आपकी बॉडी भी ग्लो ज़रूर करेगी। तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपके लिए आप ब्राइडल बनने वाले हैं तो आप चाहते हैं, कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं ऐसी कि आपकी स्किन अच्छी हो जाए, फ्लॉलेस हो जाए, ग्लो करने लग जाए, तो बने रहिए मेरे साथ और देख लीजिएगा ये वीडियो। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और फ्रेंड्स, जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा। जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो वो आपके पास पहुँच जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ ये जो तीनों प्रोसेस है, जैसे लाइक करना सब फ्री होता है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आप लोग कितना हेल्पफुल रहा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। चलिए फटाफट से देख लीजिए कि मैंने कैसे बनाया ये उबटन। तो फ्रेंड्स, ब्राइडल उबटन के लिए हमें चाहिए ये मसूर दाल है। मैं मसूर दाल ले रही हूँ 1 स्पून, और मैं सिर्फ अभी फेस के लिए बना रही हूँ इसलिए थोड़ा ही बनाऊँगी। वैसे मैं अपने हैंड्स पर और पूरी बॉडी पर भी अप्लाई कर लेती हूँ ये पैक। और ये ब्राइडल के लिए बहुत ही अच्छा पैक है, और मैंने थोड़ा और डाल दिया है। और मैं सेकेंडली लूँगी कायोलिन। ये कायोलिन पाउडर है, ये बिल्कुल उसकी तरह होता है मुल्तानी मिट्टी की तरह, और ये बहुत अच्छा काम करता है आपकी स्किन पर। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है और ये सारी स्किन सूटेबल बना रही हूँ मैं, तो ये बहुत ही अच्छा आपको काम देगा। मैं इतना ले रही हूँ, 1 स्पून ही लूँगी क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, लेकिन ये सारी स्किन सूटेबल मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ इसलिए मतलब वैसा ही कर रही हूँ। और मैं ले रही हूँ चंदन पाउडर। ये चंदन पाउडर है, ये मैंने लोकल मार्केट से ही ख़रीदा था आपने, तो मैं इसको भी ले लूँगी। बस इतना ले रही हूँ, थोड़ा और डाल लेती हूँ। बहुत ही अच्छा होता है चंदन पाउडर आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए, और ये आपकी स्किन को निखारता है, आपकी स्किन को ब्राइट करता है। और मैं नीम पाउडर भी ले रही हूँ, ये है नीम पाउडर, तो मैं ये नीम पाउडर ले रही हूँ। नीम पाउडर आपकी अगर स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल दाग धब्बे वगैरह हैं तो उसके लिए ये काम करेगा। ये ज़्यादा हो गया है, मैं इसी में ऐड कर दे रही हूँ वापस से। वापस मैं इसी में डाल दी हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ बना लीजिए, जैसे ज़्यादा बनाना है आपको तो ज़्यादा ही बना सकते हो, कम बनाना है तो आप कम भी बना सकते हो, मतलब ये आपके ऊपर है। और मैं ले रही हूँ लिक्विड पाउडर, ये भी बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ब्राइडल को हर तरह की मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये उबटन जो है ना आपको, बस मैं इतना ही ले रही हूँ ये उबटन। आप इसको हफ्ते में 2 से 3 टाइम लगा सकते हो। और मैं ले रही हूँ बेसन। बेसन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ब्राइडल अगर लगा रही हैं तो, मैं बेसन ले रही हूँ। बेसन भी मैं इतना ले रही हूँ क्योंकि स्किन को ब्राइट करता है। थोड़ा और डाल लेती हूँ, इससे स्किन ब्राइट होती है और बहुत ही अच्छा से और क्लीन भी हो जाती है अच्छे से। और मैं ले रही हूँ बाइल टर्मरिक, मेरी ख़त्म होने वाली है, मैं दूसरी मंगाने वाली हूँ, अभी परचेस करूँगी। और मैं इतनी ले ले रही हूँ। ये आपकी जितने भी दाग धब्बे वगैरह होते हैं उन पे काम करेगा। और मैं ले रही हूँ रॉ मिल्क। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप रोज़ वाटर में बना सकते हो। मैं इसमें ही रॉ मिल्क डाल लूँगी। मैं इसको मिक्स करके देख लेती हूँ पहले कि ये कैसा सही लग रहा होगा, तो मैं और ऐड नहीं करूँगी।
नहीं तो मैं और ऐड कर दूंगी। आपको अच्छा सा ज़्यादा लगेगा इसमें, तो आपको अच्छा सा पेस्ट बना लेना है कि आपकी स्किन पे अच्छे से इजीली स्प्रेड हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को, और फिर भी उसके बाद मैं डाल रही हूँ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, मेरे पास पड़े हुए हैं तो मैं सोच रही हूँ डाल लेती हूँ। ये बहुत ही अच्छा होता है आपकी स्किन पे, अगर एक्ने हैं, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा मतलब किसी तरह की डैमेज है, आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, तो उस पर ये काम करता है। मैं 2 ड्रॉप ले लूँगी, मैं 2 ड्रॉप ले ली हूँ, और मैं ले रही हूँ ऑरेंज एसेंशियल ऑयल। ये विटामिन सी से भरपूर होता है, ये विटामिन सी तो आप जानते ही हैं कितना अच्छा होता है अपने स्किन के लिए, तो ये भी मैं 2 ड्रॉप ले लूँगी। और अगर आपकी स्किन पर बहुत ही ज़्यादा है, कोई भी दिक्कत है, किस तरह की परेशानी है, मतलब आपकी स्किन को ब्राइटनेस चाहिए, इसको आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा स्कार्स या फिर मतलब एक्ने हैं, आपकी स्किन पे पिंपल बहुत होते हैं, तो उनको ये टर्मरिक एसेंशियल ऑयल ट्रीट करेगा। ये एंटीबैक्टीरियल होता है, तो ये भी मैं 2 ड्रॉप ही लूँगी, 2 ड्रॉप ले रही हूँ मैं, और मैं अब सब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फिर मैं लगा कर दिखाती हूँ आपको। जी फ्रेंड्स, मैं अब इसको अप्लाई कर लेती हूँ जो मैंने ब्राइडल फेस पैक बनाया है, और मैं अपने फेस को वेट कर लूँगी रोज़ वाटर से। ये डाबर का रोज़ वाटर है, लगाने से पहले थोड़ा सा आप इसको मिक्स कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा होता है ना कि फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए एक बार इसके लिए। और अब मैं हाथ से ही लगा लूँगी अपने फेस पर, और मैंने जितनी भी चीज़ें डाली है ना ब्राइडल, ये उबटन लगाएंगी अगर रोज़ मतलब 2 डेज़ के बाद, तो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आएगा उनके फेस पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-3 दिन लगा लिया और आपका फेस एकदम ग्लो करने लगेगा, आपको इसको लगाते रहना है। और जो मैंने एसेंशियल ऑयल वगैरह डाले हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, नहीं तो purple.com से आप ख़रीद सकते हो, बहुत ही अच्छे। और ब्राइडल तो पता नहीं क्या क्या बहुत सारा खर्च हो, मतलब लेते ही हैं सभी लोग, ब्राइडल ख़रीदते ही हैं, तो आप बाय कर सकते हो पर्पल से। जो एसेंशियल आपको एसेंशियल ऑयल लेने हैं आप वो ले सकते हैं। और मैंने बिल्कुल क्लीन फेस रखा था अपना, लगाने से पहले एकदम क्लीन था मेरा फेस। मैंने ये थोड़ा ज़्यादा ही बनाया है, और अगर ज़्यादा नहीं रहता है तो मैं बाद में बना लेती हूँ, अपने हैंड्स पर अप्लाई कर लेती हूँ। और आपको निकालना कैसे है, जब ये ड्राई हो जाए 20 मिनट्स तक आपको ड्राई कर लेना है, जब ड्राई हो जाएगा तो आपको रब करके हल्के हल्के हाथों से ही रब करना है, ज़्यादा हार्श नहीं होना है, एकदम से ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं करना है। और अगर आपको पिंपल है तो आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी रब नहीं करना है, ऐसे ही वाटर से धो देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, जब ये सूख जाएगा मैं 20 मिनट्स बाद आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा फेस ड्राई हो चुका है, अब मैं ये फेस पैक पूरा अच्छे से ड्राई हो गया है, अब मैं वॉश कर लेती हूँ फेस को, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना फेस को वॉश कर लिया है, और आप डिफरेंस खुद देख सकते हो कैसा लग रहा है मेरा फेस, एकदम ग्लो कर रहा है, शाइन कर रहा है। और ये ब्राइडल उबटन बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया है मेरा ये उबटन, ये सारी स्किन सूटेबल है, आप लोग आराम से लगा सकते हो। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप रोज़ वाटर के साथ बना सकते हो ये फेस, मतलब ये फेस मास्क, या फिर आप आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तो आप मिल्क में बना लीजिए, हनी में बना लीजिए, मतलब आप
रॉ मिल्क में बनाना है लेकिन आपको, लेकिन बनाइए आप ज़रूर, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये फेशियल बार बार बोल रही हूँ, ये फेस मास्क या फिर उबटन कैसा लगा आपको। और फ्रेंड्स ये ज़रूर आपको बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके लिए, आपकी स्किन के लिए, आपको ज़रूर ये ट्राई करना चाहिए। और ये जैसे ही आप लोग ये ट्राई करेंगे ना, तो आपको मतलब ऐसे ट्राई करना है, ये आपको 2 मंथ से पहले ही ट्राई कर लेना है। अगर आपकी कोई बात नहीं, अगर 15 दिन बचे हुए हैं तो भी आप ट्राई कर सकते हो, आपका 1 मंथ बचा है तो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग ये ज़रूर मास्क बनाकर देखिए, उबटन बनाकर देखिएगा, और जो मैंने एसेंशियल ऑयल्स इसमें ऐड किए हैं, तो अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो purple.com पर आप देख सकते हो, मिल जाएंगे आपको जो भी आपको लेने हैं। बहुत तरह के एसेंशियल ऑयल्स हैं और बहुत ही कम रेंज में है, इसलिए आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगा और आपके पास चीज़ भी आ जाएगी, और वो बहुत टाइम तक चलता है। जैसे आपको 1-2 ड्रॉप ही लेना पड़ता है किसी भी उबटन में डालने के लिए, मतलब किसी भी फेस मास्क में डालने के लिए, या फिर बॉडी पॉलिशिंग बना रहे हैं आप उसमें डालने के लिए, या फिर आप ऐसे ही लगाना चाहते किसी ऑयल के साथ मिलाकर भी लगा सकते हो, तो उसके बहुत कम अमाउंट लगता है, तो बहुत टाइम तक चलता है, 1-2 ईयर्स तो चली जाता है आराम से। और अगर आपको यूज़ नहीं है तो आप एरोमा, मतलब जो घर में जो स्मेल होती है उसके लिए आप बना कर रख सकते हो DIY, वो ही बहुत अच्छा होता है। जैसे जो रिफिल होती है ना, जो मच्छर वाला जो आता है ना, मस्कीटो वाली रिफिल होती है गुड नाइट वाली, उसमें आप ऐड करके उसमें कुछ मैं बनाना बताऊंगी कभी आप लोगों को। तो अगर आप चाहते हैं कि वो आप सीखें तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग वो जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करिएगा। और प्लीज़ ये आप उबटन या मास्क जो भी आप कहें, जो आप लोग को सूटेबल हो वो आप कहिए, वो आप समझ लीजिए, और आप इस पैक को ज़रूर लगाइएगा। और इसको लगाकर आपको बहुत ही अच्छा ग्लो तो मिलेगा ही, और आपकी स्किन एकदम हाइड्रेट भी रहेगी, आपकी स्किन में बहुत ही ज़्यादा जैसे एक्ने पिंपल्स हैं अपनी आपकी स्किन में, तो आपने जो नीम डाला है, मैंने जो नीम डाल दिया है उसमें, तो आपकी स्किन एक्ने हैं या फिर पिंपल है तो उस पर बहुत अच्छा वर्क करता है। अब तो सभी लोग जानते हैं कि पिंपल्स के लिए और एक्ने के लिए नीम बहुत अच्छा होता है, और मैंने जो सैंडलवुड डाला है वो तो आपकी स्किन को अच्छा तो करेगा ही, आपकी नेक आपकी स्किन को ठंडक भी रखेगा आपकी स्किन को, और आपकी स्किन ग्लो भी बनाएगा और आपकी स्किन ब्राइट भी करेगा। तो फ्रेंड्स चलिए, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को, और आप लोग को पता ही है मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये बिल्कुल फ्री होता है, तो प्लीज़ 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 आप लोग लाइक करके ही जाया करिए, और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए मेरा ये वीडियो। अगर हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर शेयर करिए, अगर किसी के यहाँ शादी है, आपके रिलेटिव्स के यहाँ, आपके फ्रेंड्स के यहाँ, तो प्लीज़ ये शेयर ज़रूर करिएगा ये वीडियो। और जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना भी बहुत इजी है, जैसे ही वो रेड कलर का जो बटन होता है ना उसको प्रेस करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। बार बार सब्सक्राइब नहीं करना है गाइस आप लोगों को, आपको सिर्फ एक बार जैसे आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया तो वो ग्रे कलर का हो जाता है, उसके बाद ही बेल आइकन आता है, बेल आइकन को हिट करेंगे ना, तो जैसे ही बेल आइकन हिट करेंगे तो मेरा न्यू वीडियो जो भी अपलोड मैं करूँगी वो आपके पास पहुँच जाएगा, तो आप उसको भी इंजॉय कर पाएंगे, आप उसको भी ट्राई कर पाएंगे अगर आपकी स्किन के अकॉर्डिंग हुआ तो। मतलब हर स्किन सूटेबल मैं बताती ही रहती हूँ हर चीज़, और भी मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो वेट करिए और मुझे कमेंट करिए आप लोग किस तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हो, मतलब आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह के वीडियो, स्किन केयर, हेयर केयर या बॉडी केयर, या फिर ब्लॉग्स देखना चाहते हैं आप, क्या देखना चाहते हो मेरे बारे में, क्या जानना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर कर, मतलब मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं चैनल तो वीडियो देख रहे हैं आप, तो आपको कमेंट तो करना ही चाहिए, कमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा ना अगले आदमी को, मतलब जो बना रहा है, जो बंदा बना रहा है, बंदी बना रही है, तो उसको पता चलेगा कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, आप लोगों को हाँ ये चीज़ अच्छी लगी, हाँ ये चीज़ ख़राब लगी, तो उसमें इम्प्रूव कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें उन लोगों को पता चल जाती है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि कमेंट करिए। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बातें हो गई, और आप लोगों को ये बेनिफिशियल लगे, अच्छा लगे ये
बटन, तो प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी फैमिलीज के साथ और फ्रेंड्स के साथ, और आप लोग भी लगाइएगा। एंजॉय, बाय।